channel and if you're new to my channel, hi, my name is Nidhi. I'll really appreciate if you'll take a moment and subscribe to my channel. So, आज का vlog मैं बनाने वाली हूँ जो कि vlog भी है but मतलब मेरी नानी का होम टूर दिखाऊंगी, हाउस टूर, कैसा दिखते हैं गढ़वाली घर, पूरा का पूरा टूर दिखाऊंगी. सो यस, पूरी वीडियो देखना एंड तक. हेलो, वेलकम टू माय सिस्टर्स व्लॉग. ये बहुत तगड़ी सिक्योरिटी हमारी एंट्रेंस है, बहुत ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी यहाँ पे. ये समझ कर चोरी नहीं आ सकता कभी यहाँ पे. फिर ये मुंह खोल लो. क्या कर रहा है? ऐसे एंट्री हो जाती है. कोई फायदा नहीं. सो ये हमारे छोटे से पौधे प्लांट्स वगैरह कवास की. ये ऐसी स्टोरेज टाइप का है या अंदर मतलब कुछ नहीं, कबाड़ खाना है ना ही देखे तो बेहतर है. ये 1100 आ रहा. यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं. सो चलो स्टार्ट करते हैं. वहाँ से एंट्री है तो हम सीधा वहाँ पर जाएंगे. निधि चमोली. ये हमारे बंदर कर दिया मैंने पहले. उसमें जूम नहीं दी चमोली निधि. हेलो, यहाँ पे बहुत गिरगिट रहते हैं. आई हेट लिजर्ड. ओह हाय मॉम. यू सीरियसली डोंट हैव टू. तो ये हमारा मेन गेट जहाँ से एंट्री करता है और मेरा भाई अगर शो ऑफ करना बंद करेगा तो वो आपको दिखाएगा. अगर बता ना. चल दिखा. दिखा. ये मेरी मम्मी की मम्मी. कहता है मैंने प्यार से. हमारे पहाड़ में किचन बहुत बड़े होते हैं. कुछ और होना हो. खाना भी यहीं बैठ के खाया जाता है इसलिए बहुत बड़ा होता है. सब मिलके यहाँ पे खाते हैं. कहाँ है लाइट? मैं ये पूरा किचन है. यहीं पे बैठ के सब खाना खाते हैं. टाइल्स देखो. मैं जब यहाँ आई थी मेरे को लगे ऑलरेडी प्लेट रखी हुई है. ये बंठा होता है. ये बंठा. दिस इज बंठा. गागर. चल अब. ये हमारा छोटा सा बैठक है. ये मेरे मम्मी के हस्बैंड. दिखा देना कुछ ऐसी गंदी जगह. टू इन वन बाथरूम. मैं थोड़ी अच्छा लगता है ऐसे यार. हर तरीके की सैनिटाइजर का पावर. सैनिटाइजर. अब ये है मेरे मामा मामी का रूम. This is iPhone 12 launch होते हमारे पास आ गया था. We are very rich, you know. मेरे भाई लोगों का है सब कुछ है ऑलमोस्ट. छोटा भीम. ये हमारे पास 2000 का बड़ा वाला नोट है. मोटा पहनता है अपने पसंद का. गांधी हटवा दिया हमने हमारा मत्था घुमा. चल दूसरा रूम दिखा बे. ये मेरे नाना नानी का रूम और ये मेन रूम भी है जहाँ पड़े रहते हैं पूरे टाइम. आधे से ज्यादा सामान देहरादून में है क्योंकि मेरे भाई लोग वहाँ पे रहते हैं बिकॉज ऑफ स्टडीज. तो ये उनका टीवी और ये बहुत पुरानी अलमारी है. बहुत बट अभी भी कितनी सही सलामत है. पहले की और पहले की फर्नीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे. अब ये कहाँ मिलता है. अब तो हर जगह करप्शन बेकार चीज है. ये है डबल बेड और ये पहाड़ियों के लिए मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड देव भूमि है तो सब अलग से एक मंदिर जरूर बनाते हैं. वी आर ब्राह्मिन्स. ब्राह्मण. वी आर. दिखा. नीचे पूरा. फोटो पे करना. मम्मी ये कौन है? मेरे नानी नाना.
नानी है? वो मेरे नानी नाना जी। अब ये एक और वॉशरूम है, क्योंकि नाना नानी मामा मम्मी सब रहते थे, तो उस टाइम पे भाई लोग देहरादून नहीं गए थे, तो हमने सोचा जरूरत पड़ जाती है। यह है मेन बैठक रूम, जहाँ पे बैठते हैं और ज्यादा मेहमान आ जाए तो सो जाते हैं। ये मेरे भाई की सारी अचीवमेंट्स है, अंकु की है, अंशु मेरे भाइयों का नाम, शाउट आउट टू अंशु अंकु, ये उन सब की। ये है अंकु, ये छोटे में पूरा अंग्रेज लगता था। और ये है अंशु, ऊपर भी इनकी फोटोज है पूरी की पूरी, सो क्यूट। और ये है मेरे मामा मामी, मामी जी देहरादून में तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, मामा जी शाम को आएंगे। एंड ये सारे उनके अचीवमेंट्स है। मेरा जो अंकु भाई है वो क्रिकेट पे, सिंगिंग में, पढ़ाई में, सब में बहुत ऑलराउंडर है। हिटलर। ये कौन है? ये नाना जी के भाई लगते, मतलब ताऊ लगते। हिटलर। और उसके बाद ये एंट्री जो थी वो यहाँ से भी है, बट हम यहाँ से एंट्री नहीं करते हैं। ये बैठक है, उसके बाद छत। अब चलते हैं छत। नाउ आई विल शो यू मेरी नानी जी का छत, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। और व्यू दिखाती हूँ, सो द बेस्ट थिंग अबाउट मेरी नानी का घर इज व्यू। सो देखो, नानी जी हाय बोलो, हाय बोलो, हाय नाना जी, हाय बोलो। व्यू देखो यार, पहाड़ों के बीच में। और ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ये गंगा नदी की आवाज़ है जो कि वहाँ पे है। जब मैं घूमूंगी तो दिखाऊंगी। फिर से बोलो। बोल जाला। बेल देखो, बेल। हाँ जी। और इनका छोटा सा गार्डन भी है मेरी नानी का, ये देखो गार्डन। गांव में तो बहुत बड़ा खेत है, बट यहाँ पे तो जितना हो पाया उतना उन्होंने अच्छा किया है। ये हम वो रहा 15 को भगाने के लिए। और वो नींबू का पेड़ है ना, मिर्ची का कहाँ है? मिर्ची को यूनिस, यूनिस मतलब ये रहा नीचे। और थोड़ा बहुत वहाँ आगे भी तो है आपका। वाओ, ये देखो दिल्ली में सब नहीं मिलेगा देखने को। और ये तो मेरी नानी का दूसरा घर है, जो हमारा टिपिकल गांव है ना, वो तो बौसला है वहाँ पीछे बाड़ी में। वहाँ पे तो हमारे इतने खेत हुआ करते थे बड़े। मम्मी कुछ बताओ ना। अच्छा आपको, अच्छा आपको ये घनसाली अच्छा लगता है, बौसला? ये दोनों जगह अच्छा लगता है। ज्यादा तेज बोलो। दोनों अपनी अपनी जगह है। यहाँ ये है कि मतलब फैसिलिटीज हैं, शहर जैसा है, हर चीज मिलता है, और गांव की तो अलग बात होती है। गांव वैसे अच्छा है व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अब वहाँ पे लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि स्कूल वगैरह ये सब। नाना जी, हाँ नाना जी, आपको क्या अच्छा लगता है? अरे बौसला, डर नहीं लगता ना आपको? इसलिए मेरे को तो डर लगता है। मुझे ना डर लगता है, मुझे अकेला भी रह जाता हूँ मैं अपने साथ। गांव के लोग डरते गए। मेरी नानी मेरी नानी कितनी सुंदर है पहले ये बताओ। देखो एक बार, मतलब ग्लो देखो मेरी नानी के फेस पे। भाई मेरी नानी इतना पानी पीती है, पानी पीने का ग्लो है वो। और इतनी फुर्तीली है मेरी नानी, अभी तक गांव में ऐसे ऊपर नीचे 10 बार कर लेती है। अरे शर्मा रही है नानी जी। ये ब्लॉक है, यहाँ जाएंगे कल, ठीक है? वैसे नानी के कितने घर है? पहले हम पिलखी में रहते थे, जो मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, और बौसला देहरादून में भी एक घर है, बट वो किराए पे है, क्योंकि मेरे जो मतलब कजिन से भाई लोग हैं, उनको यहाँ पे स्कूल कॉलेज की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती ना, तो वो वहाँ पे रहते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ जा रहा है ये तो बताओ। पैसा। चुप हो जा प्रियांशु, तो अभी तक वहीं बैठा है तेरे भाई बंधु।
यहाँ तक नजर आ रही है सारी अपनी जमीन है। इतनी छोटी, ये तो सुंदर जगह है। यहाँ पे पहले पता एक बिल्ली का बच्चा रहता था, याद है प्रियांशु? बहुत क्यूट था वो। अमरूद का पेड़ है, बंदर सब खा जाते हैं इसलिए ढक रखा है। गेंदे के फूल, ससुराल गेंदा फूल, मिर्च वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। यार यहाँ पे फोटोज कितनी अच्छी आएगी गाइस। यार व्यू देखो, ओए पागल, अब कोई पागल ही होगा जो अपने ही घर में मतलब गुलेर मार रहा है। ओए मेरे को मत मार, प्लीज मत मारियो, मैं मुंह तोड़ दूंगी जरा। बंदर तक तेरा निशाना चला जाए तो मेरा नाम बदल दियो। सो यस, दैट फॉर द व्लॉग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। ऑल्सो मेरा हेयर कलर कितना अच्छा लग रहा है। ओए ओए गिराएगा। बाय गाइस। हाँ मैं एक और चीज बताती हूँ, मेरे जो नाना नानी है पहले मतलब उनका जो मेन गांव था पहले वो रहते थे भोंसला, जो कि टिपिकल गांव था। वहाँ पे तो अभी भी लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, वहाँ पे रहते थे। उसके बाद फिर ऑब्वियसली गांव में स्कूल वगैरह के इशू होता है, और मेरे नाना जी जो है और मेरे मामा जी वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो लोग पिलखी करके गाँव है वहाँ पर रहते थे, उनको क्वार्टर मिला हुआ था। फिर जब मेरे नाना जी रिटायर हो गए तो वो उन्होंने यहाँ पे घनसाली में अपना खुद का घर बना दिया जो मैंने अभी दिखाया है, और वो यहीं पे रहते हैं अब काफ़ी साल हो गए, 12-13 साल हो गए। तो अब पिलखी में सिर्फ मामा जी जॉब करने जाते हैं, तो हम और जो मेरे यहाँ पे भी कॉलेज की फैसिलिटी नहीं है, गांव में नहीं होती है, तो देहरादून में मेरे दोनों भाई रहते हैं और वो अकेले नहीं रह पाते, इसलिए मेरी मामी वहाँ रहती है, मेरे नाना नानी यहाँ रहते हैं और मामा जी भी। तो कभी मामी यहाँ जाती है और नाना नानी वहाँ चले जाते हैं, कभी नाना नानी यहाँ रहता है मामी चली जाती है, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो हमारे बहुत सारे घर हैं, बट मुझे बेस्ट जो लगता था वो पिलखी था, बट अब हम पिलखी तो जा नहीं सकते, और देहरादून मेरी फेवरेट प्लेस है, आई लव देहरादून, बट वो घर रेंट का है इसलिए वहाँ पर इतना मज़ा नहीं आता जितना यहाँ है। सो आई मिस अंकू एंड अंशु बहुत ज़्यादा, और वो भी मुझे बहुत याद कर रहा है, पूरे दिन वीडियो कॉल करते रहता है। उनकी मेरा भाई क्रिकेटर मतलब क्रिकेट कोचिंग लेता है, तो उसको उस लिए उसको वहाँ जाना पड़ा, और अंशु की स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल रहे थे। बाय द वे शाउट आउट टू अंशु अंकू, आई मिस यू, बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप और भी ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे नाना नानी जी के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, बाय बोल दो।